हेलो, मैं धवल जग्गा, जो आपको बताऊंगा निसान किक के बारे में। ये एक ऐसी एसयूवी है जो कार मार्केट में ऐसी खलबली लाएगी जो सीधी सीधी क्रेटा को टक्कर देगी। और वीडियो पूरी देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का बटन जरूर दबा दें। ये एक ऐसी एसयूवी है जो डिज़ाइन और डायमेंशन में सबको मात देगी, खासकर इसका कैमरा इसका 360 डिग्री व्यू का है, जो आपको चारों तरफ घुमाकर आपको दिखा सकता है। इसमें बेस्ट इन क्लास 50 फीचर्स हैं। इसमें स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी है। दिस टेक्नोलॉजी गिव यू ट्रैक योर कार, प्रोवाइड ड्राइव अलर्ट, जो कि आपको ट्रैक कर सकते हैं आप अपनी कार को, आपकी कार कहाँ खड़ी है। आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी कार आपसे कहीं दूर है, आपको लगेगा कि आपकी कार आपके बिल्कुल पास है, क्योंकि आपको स्मार्ट वॉच दी गई है इसके साथ और उसमें स्मार्ट फीचर्स भी हैं। ये सबसे बड़े सेगमेंट में सबसे बढ़िया फीचर दिया गया है, इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर। चलिए अब इंजन की बात करते हैं। 1.5 लीटर K9K डीजल इंजन है इसमें और 1.5 लीटर H4K पेट्रोल इंजन है। और इंजन की बात करें तो पेट्रोल में 1.5 लीटर में ये 104 bhp की ताकत दे रही है और डीजल में 108 bhp की। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें 4384 mm लेंथ है जो इसकी लंबाई है और 1813 इसकी विड्थ है, जो कि बहुत अच्छी है। और हाइट तो बहुत ही बढ़िया है इसकी, 1656 mm हाइट, जो कि अब तक की सबसे अच्छी SUV में हाइट दी गई है। इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं अब। इसमें ब्लूटूथ है और एक वाईफाई कनेक्टिविटी तो चलो हर एक में है ही है, और इसमें एक SIRI करके एक नया फीचर दिया गया है जिसे हम कहते हैं आई फ्री फीचर। आई फ्री टेक्नोलॉजी के साथ हम बगैर देखे गाड़ी चला सकते हैं, जो हमें कमांड देता रहेगा, जिसकी सपोर्ट होगी iOS इन द कार टेक्नोलॉजी, जो एप्पल फ़ोन में होता है, उससे हमें ये मदद मिलती रहेगी और हमें वो कमांड देता रहेगा और हम अपनी गाड़ी चला सकते हैं बगैर देखे भी। ये सबसे बढ़िया फीचर है इन इंडिया में अब तक का। इंडिया कार्स ने इसे 5 में से 4 नंबर दिए हैं और कार देखो ने 5 में से 4.5 नंबर दिए हैं इसे, यानी कि अब तक की बेस्ट SUV ये घोषित होने वाली है आने वाले टाइम में 2019 में। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, ये 2019 का नया मॉडल है निसान किक का। निसान किक की जो कंपटीशन है वो 3 कारों से किया जा रहा है, हुंडई क्रेटा, रेनॉल्ट डस्टर और रेनॉल्ट कैप्चर से, मगर ये उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल गई है गाड़ी और इसकी डिमेंशन उससे कहीं ज़्यादा बढ़िया है और ये देखने में भी और डिज़ाइन में भी सबको ही मात दे रही है। इसकी लंबाई 113 mm लंबी है क्रेटा से। और इंजन की बात करें तो पेट्रोल में 1.5 लीटर में ये 104 bhp की ताकत दे रही है और डीजल में 108 bhp की। डायमंड कट्स अलॉय व्हील है 17 इंच के और टर्निंग रेडियस इसमें 5.2 का है, जो कि अब तक का सबसे बढ़िया माना जा रहा है SUV में। 16 से 17 KMPL माइलेज दी जा रही है इसमें डीजल में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, बढ़िया है और शानदार है। ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी 200 mm है और व्हील बेस 2673 mm है और इसका प्राइस है 9.5 से लेके ये 14 लाख तक जाती है टॉप वेरिएंट तक। इस गाड़ी का अगर लुक देखें तो वो बहुत ही अच्छा है क्रेटा के मुताबिक और इसमें जो अलॉय व्हील हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और इसका पीछे से और आगे से जो इसकी क्रोम ग्रिल है वो भी हनी बीट है और बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। गाड़ी को कोई ये नहीं कह सकता कि ये गाड़ी अभी नहीं आई है, ग्लोबल मार्केट्स में जो बिक रही हैं गाड़ी सेम मॉडल है,
सेम इसमें फीचर्स हैं और कुछ लंबी भी है ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के मुताबिक। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, टेस्टेड है, सेटिस्फाइड है, लोग इसको पसंद करते हैं ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। ये जनवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये लॉन्च होगी और इसका मार्केट में उतरते ही पता लग जाएगा कि ये गाड़ी कैसी चल रही है मार्केट में। मेरे हिसाब से ये क्रेटा को बहुत बड़ी टक्कर देगी, जो ये मार्केट में एक बार लगेगा कि कोई गाड़ी एसयूवी निकली है। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, टेस्टेड है, सेटिस्फाइड है, लोग इसको पसंद करते हैं ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा और इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। ये जनवरी में फर्स्ट या सेकंड वीक में ये लॉन्च होगी और इसका मार्केट में उतरते ही पता लग जाएगा कि ये गाड़ी कैसी चल रही है मार्केट में। मेरे हिसाब से ये क्रेटा को बहुत बड़ी टक्कर देगी, जो ये मार्केट में एक बार लगेगा कि कोई गाड़ी एसयूवी निकली है। इसमें एक दो खामियां मुझे लगी हैं, जैसे कि इसका इंटीरियर जो प्लास्टिक का अंदर दिया गया है वो थोड़ा सा अच्छा लग सकता था, अच्छी क्वालिटी का लग सकता था, एक ये खामी लगी। और दूसरी एक लगी हमें इसकी ब्रेक्स, जो ब्रेक्स जब हम लगाते हैं तो अच्छी तरह बाइट नहीं करती सड़कों पर। एक दो बार मैंने भी चलाई है ये कार और इसका अंदर का जो इंटीरियर प्लास्टिक का है वो प्लास्टिक की जो इसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। जब धूप पड़ती है तो उसकी जो प्लास्टिक के ऊपर धूप का जो शाइन पड़ती है उससे थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा उसको चलाने में दिक्कत आएगी, शीशे में उसकी चमक दिखती है, ये भी एक मुझे खामी लगी। और इसका जो और वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी ज़रूर नीचे कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर एक मैसेज दीजिए।